राज्य सरकार प्रवक्ता जीतू वघाणी प्रेस कोन्फरेंस कर रहा है, सीधा त्यां जईशु। विभाग माननीय मुख्यमंत्री भूपेन्द्र भाई मार्गदर्शन नीचे अमरा टीम डीएसटी खूब सरस देश में बनावी, एम कारण 16 जेटला एमओयू ये पण थया छे। मात्र 6 महीना टूका गाळानी अंदर 10,400 करोड़ रोकाण ये निश्चित थयुं छे। 28,750 रोजगारी अमे 1,00,000 रोजगारी कह्युं हतुं तो एटली रोजगारी मात्र आटला एमओयू में एमां पण 40% काम पण शुरू थई गयुं छे। एटले 14,000 लोकोने आईटी क्षेत्र रोजगारी पण मळवानी गुजरात में शुरुआत थई गई छे। ए वक्त पण अमे बात करी थी एवी ज रीते केबल लेंडिंग स्टेशन माननीय मुख्यमंत्री श्रीए गई काले ज एमओयू कर्युं छे। लाइट स्टेम कंपनी लाइट स्टोम कंपनी एक एमओयू कर्युं छे। यूरोप थी मांडवी अपना गुजरात दरिया में खूब मोटी केबल के दरिया द्वारा आवानो छे, लगभग 5,000 करोड़ रूपयानो मात्र केबलनो खर्च ए आ केबल लेंडिंग स्टेशन में थवानो छे। 2,000 जेटला लोकोने प्रत्यक्ष ने परोक्ष रीते रोजगारी मळवानी छे। 1,000 करोड़ रूपयाना रोकाणनुं पण गई काले एमओयू ए थयुं छे। खूब मोटा फायदाओ एमां राज्यने मळवा जई रह्या छे। मुंबई अने चेन्नई खाते आ बे जग्याओ पर आ प्रकारना स्टेशनो छे। गुजरात में आ स्टेशन थवाथी 5G आदरणीय वडाप्रधान नरेन्द्र भाई जे कनेक्टिविटी अने जे प्रकारे नेटवर्क माटे थईने समग्र विश्वना एक नवी दिशा 5G द्वारा मळी छे, त्यारे आपणे जाणीए छीए के सौथी मोटो ट्राफिक मुंबई में छे समग्र देशनो। अनेकवार एमां कनेक्टिविटीना प्रॉब्लम ये पण थया छे, इंटरनेट फेल जवाना पण घणा बधा प्रश्नो उपस्थित थाय छे। आपणे आ व्यवस्था ऊभी थवाथी त्यां फेल जशे तो आपणो आ केबल लेंडिंग स्टेशन ए कार्यरत रहेवाना कारणे नॉर्थ एटले के दिल्ली सुधी नॉर्थ इंडिया सुधी एनी कनेक्टिविटीनी पहोंच ए रहेवानी छे। नवा नवा प्रकारे अलग अलग गिफ्ट सीटी थी मांडीने धोलेरा में पण डेटा सेंटरो ए हवे खुलवाना छे, एना एमओयू पण थया छे, त्यारे एक नवी तको ए गुजरात ने प्राप्त थाय छे। एवी ज रीते आजे माननीय मुख्यमंत्री श्रीए अनेक उद्योगपतिओ ने हाजरी में डीएसटी विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री भूपेन्द्र भाई मार्गदर्शन नीचे टीम डीएसटी खूब मेहनत करीने समग्र देशनी अंदर अभ्यास करीने टीम मोकलीने वाइब्रंट गुजरात वक्ते अमे बेंगलोर पण गेला, हूँ पण गेलो रोड शो में, त्यारे पण अनेक उद्योगपतिओ साथे ए चर्चाओ थई अने एमांथी एक नवो ज विचार ज्यारे गुजरात पॉलिसी ड्रिवन स्टेट बन्यो छे जेना कारणे पारदर्शकता अने इन्वेस्टमेंट में कहूं आईटी में अत्यारे उत्सुकता आवी छे। जेवी रीते सेमीकंडक्टर में पण समग्र भारत की अंदर एक हब आपणो गुजरात बने बनी रह्यु छे, आईटी नुं बनी रह्यु छे। आईटी में पण अनेक बाबतो हवे मैं अमे कह्युं हतुं कि 1,00,000 जेटली रोजगारी मळशे तो खूब झड़पथी एक वर्ष में दिशा में पण लोको आवी रह्या छे। ए ज रीते पॉलिसी ड्रिवन स्टेट होवाना कारणे एक पारदर्शकता अने सीधी जमने खबर पड़वानी छे कमने आटलो लाभ मळे छे एवी एक पॉलिसी आजे आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेन्द्र भाई उद्योगपतिओनी हाजरी में जाहिर करी छे। समग्र देश में न हो एवी गुजरात इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी 2022-28 ए राज्य सरकारे जाहिर करी छे। मने कहता आनंद छे के आ क्षेत्रे काम करता ने रुचि धरावता उद्योगकारो ने व्यापारीओ ने एक नवी दिशा ए खुलवा जई रही छे। आ पॉलिसी में अलग अलग प्रकारे प्रधानमंत्री श्री जे सपनू वडाप्रधान श्री नरेन्द्र भाई जोयुं छे 300 अबज डॉलर इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन इलेक्ट्रॉनिक्स नी दुनिया ए खूब झड़पथी आगळ वधी रही छे, एमां गुजरात पाछळ न रहे देश पाछळ न रहे अने एने विजन ने सार्थक करवा राज्य कक्षाए 30 अबज डॉलर नुं इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन करवानी नेम अमारा विभाग द्वारा
राज्य सरकार भूपेन्द्रभाई मार्गदर्शन नीचे राखवामां आवी छे। वर्ष 2028 सुधी में ईएसडीएम क्षेत्र में 10 लाख रोजगारी की तक राज्य में 5 वर्ष में प्राप्त थशे। भारत में गुजरात इलेक्ट्रॉनिक सीस्टम डिजाइन उत्पादन और इकोसिस्टम राष्ट्रीय केन्द्र बनशे। जे रीते सेमीकंडक्टर अंदर आपणे केन्द्र बनी चूक्या छीए एज प्रकारे आईटी और हवे इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी सेपरेट आपवाना कारणे खूब बधा मूडी रोकाणो लगभग एम कही शकाय के 2,40,000 करोड़ रूपया ना रोकाणो आवानी शक्यताओ ए तमाम प्रकारे आकलन कर्या पछी समझीने ए प्रकारनी पॉलिसी बनावी छे। कैपिटल मूडी सहायनी अंदर आसिस्टन्समां 20% सुधीनी महत्तम सहाय, स्टेम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फ्री में 100% स्टेम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फ्री, पहली वक्त व्याज सहाय ये 5 वर्षनी टर्म लोन पर 7% सुधीनी व्याजनी वार्षिक रूपया 10 करोड़ सुधीनी सहाय। आ इनिशिएटिव पहलो इनिशिएटिव छे, ये सहाय आपवामां आवशे। एज रीते लॉजिस्टिक सबसिडी ये आपवानो निर्धार कर्यो छे। इम्पोर्ट पर लागता फ्रेट चार्ज पर 50% सुधीनी लॉजिस्टिक सबसिडी, एटले जे इम्पोर्ट एना साधनों थता होय छे ए सीधा गुजरात में आए तो 50% सुधीनी लॉजिस्टिक सबसिडी आपवानो पण एक महत्वनो निर्णय सौप्रथम मार जे कदाच देश में राज्य सरकारे कर्यो छे। आ बधी ज बाबतों में क्यों बेंगलोर में अमे ज्यारे चर्चाओ करी त्यारे केटलीक बाबतो ध्यान में आती थी कि केमना कारणे केटलीक रोकावटो ए आती थी एने पण आमां सामेल करी छे। पावर टेरिफ 1 प्रति यूनिटनी सहायनी पण निर्णय कर्यो छे। 100% वीज करमांथी मुक्ति आपवानुं अने 100% सुधी आत्मनिर्भर गुजरात ए भाव साथे ईपीएफ पण वर्तन आपवानुं पण निर्णय कर्यो छे। साथे साथे गुजरात इलेक्ट्रॉनिक्स मेन्युफेक्चरिंग एटले के जेम क्लस्टर व्यापारीओने जे इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र गुजरात पण खूब आगळ छे अने विश्वनी हरोळमां એ સ્પર્ધા કરવા માટે તૈયાર થઈ ચૂક્યું છે ત્યારે એ લોકોને શેડ અને વ્યવસ્થાઓ પાણી આ બધું તૈયાર જોતું હોય છે। રાજ્ય સરકારે અમારા સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી વિભાગે નક્કી કર્યું છે કે 5 વર્ષમાં ઈએસડીએમ ઇકોસિસ્ટમ માટે નવા ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઉત્પાદન ક્લસ્ટરનો વિકાસ તમે કરીશું એટલે 6 મહિનાની અંદર એમને તમામ સુવિધાવાળી જગ્યા મળે એટલે સીધું જ કામ શરૂ કરી શકે એ પ્રકારની ફેસિલિટી આપવાનો નિર્ણય પણ અમે કર્યું છે। એમાં યુટિલિટી સર્વિસ, વેલફેર સર્વિસ, મેન્યુફેક્ચરિંગ સર્વિસનો પણ સમાવેશ, એક શેડનો પણ સમાવેશ છે।